अरे गोपी बहन, ये क्या कर रही हैं आप? तड़के में चीनी डाल रही हैं आप? क्या बात है गोपी बहन, आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक है ना? तुम ही बताओ परिधि, मैं क्या करूं? पिछले कुछ दिनों से घर में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, एक के बाद एक, मैं सच्ची में बहुत परेशान हो गई। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी विद्या की शादी हो रही है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। That's normal, गोपी बहन। आखिर बेटी है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होगी ना। हाँ परिधि, शायद तुम सही कह रही हो, पर सच बताओ मुझे विद्या की नहीं, उससे ज्यादा मीरा की चिंता हो रही है। जो रिश्ता मीरा के लिए आया था, आज वो रिश्ता विद्या के साथ जुड़ गया है। पता नहीं मीरा पर क्या बीत रही होगी। आप मीरा की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब आप देखिए हमारी विद्या के लिए कितने अच्छे घर का रिश्ता आया है। आई एम श्योर भगवान ने मीरा के लिए भी कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। तुझे लगता है कि भगवान ने तेरी और श्रवण की शादी तय की है? आर यू सीरियस? दिस इज रिडिकुलस विद्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कम ऑन दी, रिलैक्स। वैसे आई एम सॉरी यार, जो मैंने कल वो सब तमाशा किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई स्वेयर आई वाज जस्ट वरीड फॉर यू। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तू सच सच बताओ कि तूने रिश्ते के लिए यहाँ कोई प्रेशर में आके तो नहीं किया ना? आई मीन मैंने मासी जी की इतनी इंसल्ट की, तो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए तो तूने हाँ नहीं बोला ना? अगर तू इसलिए हाँ बोल रही तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। और अगर तुझे ना बोलना है ना तो तू मुझे बोल, मैं तेरा साथ दूंगी, आई विल सपोर्ट यू, नोबडी विल आस्क यू एनी क्वेश्चंस, ओके? प्रॉमिस। टी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक मैंने किसी प्रेशर में आके ये डिसीजन लिया है। मैंने अपनी मर्जी से सगाई के लिए हाँ की है। मैं खुश हूँ इस रिश्ते से। मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आर यू श्योर? आई मीन तूने वो फैमिली ठीक से तो देख ली है ना? आई मीन मुझे तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप्स लगती है। क्या पता तुझे घूंघट वूंघट पहनना पड़े शादी के बाद? तो फिर कम ऑन दी, ऐसा कुछ नहीं है। नो रियली, मुझे तो लगता है शादी से पहले जान पहचान तो दूर तू श्रवण से ठीक से मिल भी नहीं पाएगी। और अगर वो मिलना भी चाहेगा ना तो वो गौरा मासी जी है ना, वो तुझे कभी नहीं मिले देगी। आई डोंट लाइक हर, शी इज रियली वियर्ड ना? थोड़ी सी अलग जरूर है पर दिल की बुरी नहीं है बाजी। बाजी? वाह, बाजी तक बात पहुंच गई। एनीवेज आई एम सॉरी अगर तुझे मेरी बातें रूड लगी हूं, बट आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। जितना सोचती हूँ उतनी और परेशान हो जाती। पता नहीं विद्या उस घर में जाने के बाद उस परिवार में खुद को एडजस्ट कर पाएगी भी या नहीं। ऑफ कोर्स कर पाएगी गोपी बहन, हमारी विद्या बहुत ही समझदार और स्मार्ट है, वो बहुत जल्द अपनी न्यू फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी। वो आपके पास टाइम है जी? मतलब कि आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर आई ने ना? मेरा मतलब है कि आप बाहर आ सकती हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारी शादी होने वाली है जी। बिल्कुल। और शादी के बाद मैं और आप, मेरा मतलब है कि आप और मैं पूरी जिंदगी एक साथ। हाँ लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं? मेरा मतलब है कि दरअसल उस दिन हमने बहुत सी बातें करी, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना भूल गया। ठीक कहिए। ये वो मैं आपका नंबर मांगना भूल गया।
स्कूल में पढ़ता है क्या? 9191 8181 BIDHY No H, मेरे नाम में H नहीं आता है। It's BIDYA Okay, missed call दिया, check कर लीजिए। और एक और बात थी, वो आपका Facebook ID और ईमेल आईडी चाहिए था। ये अनपढ़ कपर फेसबुक पे? वाह। बाजी ने कहा था कि आपसे इन सब चीजों के बारे में पूछ लूं, तो इसलिए मैं मैसेज कर देती हूँ। शुक्रिया, मैं चलूं? जी। कोयली, श्रवण की शादी का उत्सव 5 दिन चलेगा। पहले दिन संगीत गरबा होगा, दूसरे दिन मेहंदी होगी, फिर हल्दी, फिर शादी और उसके बाद रिसेप्शन। ऐसी जानदार और शानदार शादी होगी कि राजकोट में ऐसी शादी आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। लेकिन गौरा, अरे ऐसे बड़े बड़े ढोल बजेंगे, या बड़े बड़े ढोल, मैं तो लंदन से डीजे भी मंगवाऊंगी और वो लोग जो म्यूजिक बजाएंगे उस पे तुम और मैं दोनों दादी सास डांस हम डांस करेगी। डिंग चक्के डिंग चक्के डिंग। हे भगवान, अम्मे माँ, क्या करूँ, खुशी से मैं समा नहीं पा रही हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी। हे कृष्ण भगवान, सच कहूँ तो मेरी विद्या बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारी जैसी दादी सास मिली है। अरे कोयली, मेरे घर जो लड़की बहू बन के आएगी उसका तो समझो राजयोग शुरू हो गया है। विद्या मेरे घर में रानी बन के रहेगी। अरे पलकों पे बिठा के रखूंगी मैं उसे, ऐसा करेगी और जो चाहिए वो हाजिर, पानी का ग्लास तक उठाने नहीं दूंगी उसे मैं। हाँ, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, शॉपिंग मॉल, 5-star होटल, बस पूरा दिन उसे यही करना है। इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुम मेरी सीधी सादी विद्या को बिगाड़ के ही रहोगी। बिल्कुल बिगाड़ूंगी उसे। अरे मेरी इकलौती पोती बहू है वो। नानी भाभी, किंजल बेन आई है। किंजल, ठीक है तुम जाओ, गौरा मैं आती आती। तकिन धा 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 धा। नंबर तो मैंने दे दिया था, कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं आया? क्या करूं, खुद कॉल करूं या उसकी कॉल की वेट करूं? श्रवण जी, हाय। नहीं नहीं, मुझे खुद मैसेज नहीं करना चाहिए, उसके मैसेज की वेट करनी चाहिए, खुद करना ठीक नहीं लगेगा। ओ गॉड, ये तो सेंड हो गया। विद्या जी, मैसेज। गार्डन में वॉक के लिए चले? जरूर, बस 2 मिनट में आया। धवल जी,
आप लोग मुंबई जाओगे तो उर्मिला बेन कहाँ रहेंगी? लो, मेरा वो आलीशान महल है ना, बस अकेले अकेले जलसा करूंगी वहाँ। सासु माँ, हम लोग एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, वीजा की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करके तुरंत आ जाएंगे। अब अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। अरे 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 अशु, अम्मे अम्मे अम्मे, घर में नए कलाकार आए हैं और किसी ने हमारी पहचान तक नहीं करवाई। ये मेरी बेटी किंजल है। जय श्री कृष्ण। और ये हमारे दामाद धवल जी। जय श्री कृष्ण। उनका बेटा पप्पू। और ये धवल जी की पई है उर्मिला बेन। और ये गौरा है, मेरी बचपन की सखी और होने वाली समधन भी। समधन? क्यों? मेरा चेहरा किसी की समधन होने के लायक नहीं है क्या? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गौरा, बूढ़ी तो बूढ़ी पर घोड़ी तो घोड़ी ही होती है, और वो गधेड़ी से तो हमेशा अच्छी होती है ना कोकिला? मीरा, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कोई बात नहीं, अब मैं तेरी शादी में देखना कितना धूम मचाती हूं। आपका रॉन्ग नंबर लगा है, इधर आइए। आपको अगर किसी को बधाई या मुबारकबाद देनी है तो मीरा को नहीं। आप इसे दीजिए, ये है मेरी पोती बहू विद्या। माँ, विद्या की शादी? अब आई मीन, अभी तक मीरा की शादी नहीं हुई और आप विद्या की शादी कर रही? अब ये जमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मीरा को भी अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। सासु माँ, अब हमें चलना चाहिए वरना हम लोग वाकई में लेट हो जाएंगे। सारू, उर्मिला बेन, आप काफी समय के बाद मोती भवन में आई है, तो कृपया कुछ और समय हमारे साथ बिता लीजिए। हमारे तोलू मोलू आपको बाद में घर छोड़ाएंगे। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। हाँ, धवल दिख रहा, संभल के जाना। हाँ, जय श्री कृष्ण। मीरा को भी कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा। हाँ तो वाली, लेकिन मेरे श्रवण जैसा होनहार और गुणी लड़का तो उसे मिलने से रहा। पर नहीं, मैंने ऐसा, मीरा क्या है, खोटा सिक्का है। और खोटे सिक्के की किस्मत में खोटा सिक्का ही लिखा होता है, हीरो का हार नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।